मेरे गुरु ने मुझे कैसे सिखा दिया, कैसे मैं संगीत के क्षेत्र में बना रह गया, यह अब याद करता हूँ। वो चीज इसलिए कही थी, ये काम इसलिए कहा था, इसका परिणाम ये निकला। अब सामाजिकताओं से दूर जब एकांत चिंतन करता हूँ तो जो शिक्षण विधि होती है बीएड एमएड इत्यादि, लेकिन पारंपरिक गुरु परंपरा के अंतर्गत संगीत रत्नाकर में है शिक्षाकार, अनुकार, रंजक, भावुक, रसिक। और प्राय लोग समझ लेते हैं कि शिक्षाकार का अर्थ शिक्षक है, लेकिन शिक्षाकार वो अवस्था है, मैंने जो अपने अनुभव से समझा कि मैं ठीक से सिखा रहा हूं, इसको क्यों नहीं आ रहा है, तो इसकी अच्छाई क्या है, इसकी कमजोरी क्या है, इसकी अच्छाई में कोई बिंदु ऐसा है जिसे पकड़कर इससे इसको परचित की जगह परिचित करा दे। परचित मतलब दूसरे का चित, परिचित मतलब योजनाबद्ध तरीके से यह उसके संचय में परिचय में आ जाए। उसी दृष्टि से प्रत्येक शिष्य के अंतर्गत उसकी क्षमता और पात्रता के अनुकूल शिक्षा पद्धति को बदल लेना या निर्मित करना, यह श्रेष्ठतम गुरु का सबसे बड़ा प्रमाण होता है, क्योंकि वह एक तरह से अपनी विद्या को तरह तरह से आकार देते हुए शिष्य को संस्कार ही नहीं देता, शिष्य में प्रवेश कर जाता है। इस दृष्टि से 200-300 वर्षों से संगीत की जो सामाजिक अवस्था थी उसकी संभवतया मैं आखिरी कड़ी हूं कि म्यूजिक कॉलेज 3 बजे से लेकर चलता था 8 बजे रात तक। बहुत सारी साधारण संगीत सीख रहा है तो अक्षम हो जाए किसी तरह से, पढ़ने लायक नहीं है इसलिए संगीत सीख रहा है, यह धारणा थी। अस्य विश्वविद्यालयस्य विचरण आप म्यूजिक पदवीं प्राप्नोति, ये सब संस्कृत और अंग्रेजी में बैचलर ऑफ म्यूजिक बी म्यूजिक की डिग्री दी जाती थी। तब भी हम लोगों से पूछा जाता था उधर की पढ़ाई कितनी की है, तो बड़ा आश्चर्य, हम लोग किधर की पढ़ाई कह रहे हैं, जो ग्रेजुएशन आपको मिला है। हाँ हाँ वो ठीक है, तो जिस प्रकार गर्मी की छुट्टियों में वाल हैंगिंग बनाना कुछ और सब सारी चीजें सीखते हैं छुट्टियों में, उसी प्रकार म्यूजिक भी सीखता है, या अक्षम है शिक्षा की दृष्टि से, इसलिए विवशतः संगीत सीखता है। एक पक्ष ये था। दूसरा पक्ष था संगीत में गया हुआ व्यक्ति बिगड़ जाता है, सामाजिक संस्कार से परे हो जाता है, घर के नैष्ठिक आचरणों से विपरीत काम करता है, एकाग्रता के नाम पर नशा खाता है, यह सारी चीजें थी। पर दादा गुरु पंडित विष्णुकुमार जी ने इन चीजों में क्रांतिकारी अंतर लाने के लिए व्यासासन दिया संगीत को, संगीत नीचे, संगीतकार नीचे और सुनने वाले ऊपर बैठते थे, उन्होंने इसे व्यासासन दिया। व्यासासन की महत्ता होती है कि 5 वर्ष का बच्चा भी अगर श्रीमद् भागवत का वाचन कर रहा है तो वह व्यासपीठ पर बैठेगा, लोग हाथ जोड़कर नीचे उसको आदर देंगे, यह व्यासपीठ की निर्मिति उन्होंने की। और एक पूरी पीढ़ी निकली जिसने नैष्ठिक आचरण का व्रत लिया, नशा नहीं लेना है, 5 छुट्टी से पानी तक नहीं खाना है, पूजा विधि में जितने पवित्र ढंग से, जो एक ब्रह्मस्व का आचरण, ब्राह्मण शब्द नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मस्व कह रहा हूं, वह औचित्य परक हमें आचरण करना है। छोटे छोटे आकर्षणों से प्रभावित होके हमको अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना है। ऐसी 2 पीढ़ियां निर्मित हुई जिन्होंने समाज का संस्कार किया। आज के स्मरणीय जिनकी प्रक्रिया का उद्घाटित हो रहा है, यह अंतिम कड़ी थे। बहुत कुछ किया इन्होंने जो कि परिणाम दिखाई पड़ रहा है वह तो अलग चर्चनीय है, उनके ध्वजवाहक कीर्तिवाहक जो है वो बताएंगे, आपको कहेंगे। लेकिन अपने आचरण के द्वारा संगीत के पुरस्चरों को स्मरण करना और अंतःकरण की विद्या बना देने वाली पीढ़ी रही है ये, जिसने संस्कार की सीढ़ी बनके पीढ़ी दर पीढ़ी
कड़ी दर कड़ी लड़ी बनाकर संगीत की परंपरा बड़ी बन सके, इसमें योगदान दिया। उस दृष्टि से संगीत के शैक्षिक महत्व को समझाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। मैं ज्यादा उसकी चर्चा नहीं करूंगा, तथा यह अवश्य कहूंगा कि जिस दौर में आधुनिकता में अजी सब चलता है, ये भी हो जाने दीजिए, इससे वर्जना करने वाला समाज का एक विचित्र प्राणी समझा गया। ये तो निश्चित ढंग से रहते हैं, निश्चित समय से पूजा करते हैं, एक निश्चित क्रम है जीवन का, स्नान फिर पूजा भाव से संगीत, फिर समझौता नहीं करते, ये गजल नहीं गाते हैं, ये सारी चीजें अयोग्यता ही गिनाई जाने लगी। लेकिन एक पूरी पीढ़ी ने समाज में संस्कार किया। आप आश्चर्यचकित होंगे कि उस समय के विद्यालय को देख ले, कौन कौन शिक्षक थे, उनका क्या सामाजिक आचरण था। उसी कड़ी में संगीत कला भारती में अपने नैतिक आदर्श जीवन से मेरे परम श्रद्धेय गुरु ने आचरण किया और बहुत बड़ा आदर्श दुनिया के सामने, हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा बिंदु पकड़ लें तो जीवन धन्य हो जाए। लेकिन जो नहीं चल सकता था उसको चलना सिखाया, सहारा दिया, बताया, प्रेरित किया। इसी दृष्टि से एक योग्य शिष्य यहाँ भी बैठा हुआ है जो अब गुरुपीठ पर गुरु बन के बैठा है। इस गुरु ने भी सीखा, घरानेदार परंपरा को भी देखा, आचरण को भी देखा और आज उन्नति के उस शिखर पर है जहां पहुंचने के लिए लोग हाथ भी मलते हैं और लोग जलते भी हैं। इस जलन से एक प्रकाश तो पैदा होता है, इस आदमी ने कुछ तो कुछ किया है जिसके कारण लोग जल रहे हैं, वो अच्छा किया है या खराब किया है ये परिणाम भी दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन परिणाम के पहले ही प्रणाम पाना, यह एक आदर्श आचरण कहा जा सकता है। इस दृष्टि से इन्होंने नैष्ठिक निष्ठा जो है उस पर तिष्ठा बनाए रखी और वो तिष्ठा बाद में जाकर प्रतिष्ठा बनी, व्यक्ति प्रतिष्ठा से चले। आप लोग संगीत के इस व्यापक प्रभाव क्षेत्र को विभिन्न रूप से प्रमाणित करने के लिए सदा अनुप्राणित होते रहे, ऐसी शुभकामना है। जब अपनी परंपरा का एक नालायक व्यक्ति यहाँ आकर आदरणीय बन गया है तो जिन्होंने अपने गुरु से योग्य शिक्षा प्राप्त की है उनका तो कहना ही क्या है। आप सबसे यही कहते हैं कि आप सब लोग आदर्श गायक ही नहीं, आदर्श संगीत चरित्र नायक भी बने, जिसमें लोग कह सके कि खाली मनोरंजन की सीमा तक संगीतकार नहीं आता, लोगों के मन को आकार देने वाला संगीतकार होता है जो भाषा के परे, आपकी इच्छा और अभिलाषा के परे बहुत कुछ बुराइयों से परे कर देता है और बहुत कुछ आपके पास कर देता है। संगीतकार कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं है, ललित कलाएं पांच हैं, वास्तु मूर्ति चित्र काव्य और संगीत। ये पांच ललित कलाएं पदार्थ से तत्व की ओर बढ़ती है, 59 तक शठ थोड़ा बाकी रहता है, लेकिन पूरा जब वह पदार्थ तत्व हट जाता है और तात्विक होती है कला, जो मन से मन तक जाकर मननीय को मना देती है और वो मान जाता है, वो है ललित कला। और उस ललित कला के उपासक आप लोग हैं, आपका सम्मान होता है तो समझ लीजिए कला का अपमान हो रहा है, और कला का भी अपमान हो रहा है तो आपका अपमान हो रहा है। इसलिए दोनों उभय पक्ष लेके चले, कला का सम्मान आपका सम्मान है और आपका सम्मान कला का सम्मान है। इस क्षण में मुझे बचपन की वो बात याद आती है जब मैं प्रत्येक शिक्षक इत्यादि को ठोंक बजा के देखता था, तंग भी करता था, प्रगल्भता भी करता था। तो आका कार्यक्रम बहुत दिनों से नहीं सुना, आप कहाँ गाने वाले हैं? देखो ऐसा वातावरण आएगा तो आएंगे, उचित होना चाहिए सब। ध्रुपद मेला आरंभ हुआ मैं गया कि आप बताइए चल के कि क्या वातावरण और उसमें ऐसा होना चाहिए कि आपके गाने लायक हो सके। क्या आऊंगा देखूंगा तो बताऊंगा। आए राम के पहले ही आके खड़े होके सूर्य, हाँ वातावरण तो ठीक हुआ, तो कब तक आप पर गएंगे कि परसों? 3 दिन का है।
देखो एक गड़बड़ हो गई है, वातावरण तुरंत देखा है और मुझे तैयारी के लिए कम से कम एक महीना चाहिए था, वो समय बीत गया, अगले साल गाऊंगा। तो वचन उनसे मैंने ले लिया कि नहीं, एक ऐसा वातावरण निर्मित हुआ है जहां आपका अंतःकरण संगीत का पुरस्करण करने के लिए तैयार है। हमने इसको उसको अपना बहुत बड़ा ऐसा क्षण माना जिसमें कोई हम रण जीत गए हो, कि उन्होंने गाने लायक स्थान माना द्रुपद मेला को, कि हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ व्यवस्था ठीक है। उन्होंने कहा क्या कहे, गड़बड़ लगता था, बड़ी मार्मिक बात कही है, किस पद में तुम बड़े हो, किस क्षेत्र में बड़े हो, लेकिन आके किसी एक का बड़प्पन इतना ऊपर बढ़ा दिया जाए कि सब सर्व सामान्य कलाकार छोटा है वो भी आदर करे, ये गलत होता है। कला के क्षेत्र में कलाकार शिक्षक गुरु इनका सम्मान होना चाहिए, किसी ऐसा को नहीं बुलाना चाहिए जिससे लगे कि सब कुछ उनको समर्पित है। यहाँ ये चीज अच्छी है, छोटा बड़ा सब कुछ छोड़ के मंच प्रधान है, गायक प्रधान है, वादक प्रधान है, ये बड़ा अच्छा है। इस दृष्टि से उनका हमने आशीर्वाद प्राप्त किया, कई बार उनसे बातचीत करना, कुछ गलत सलत बातें भी मैं कर लेता था तो सुधार देता, हाँ हाँ ये ठीक है लेकिन ऐसा होना चाहिए। और उसका उसकी फलश्रुति ये है कि जो मैं कह रहा हूँ बड़ी बड़ी बातें, मेरे पास उसका प्रमाण भी है। उन बड़े लोगों के सुकृत्य के बड़े कृत्यों में से कुछ न कुछ परिणाम सामने हमारे यहाँ बैठा हुआ उसे भी बड़ा माना जाता है, और इसकी मुझे बड़ी खुशी है कि वो आज मुझे बड़ा मान रहे हैं, तो मैं आज अपने बच्चा नाम को याद करते हुए राजेश्वर आचार्य नाम को भी महसूस कर रहा हूँ कि मैं राजेश्वर आचार्य हूँ। क्यों कि आज समाज में अच्छी व्यवस्था प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हमारा निस्वार्थ भाव से सम्मान कर रहा है, इसका मतलब ये कोई पूर्व पूंजी थी जो मेरे काम आ रही है, मेरी अर्जित न हो लेकिन बड़ों के द्वारा सर्जित है और किसी के द्वारा वो अर्जित नहीं है। इसीलिए मैं उस परंपरा को प्रणाम करता हूँ और गुरु की स्मृति में सत्कृत्य करना यह बहुत बड़ा भारतीय गुण है जो भारतवर्ष में है। अदरवाइज हमने पैसा दिया, उन्होंने मुझे सिखाया, इतने तक लेसन्स लिया, पर लेसन इतना है कि माता जी को पर दुलार कितना पैसा दिया था, अगर बच्चे से पूछा जाए तो बड़ा आश्चर्यजनक रहेगा, माते देव भव पितृ देव भव गुरुदेव भव। इस दृष्टि से इन्होंने अपने गुरु के नाम पर इस हार का नामकरण किया है, वरना पे सब तो हाल में बैठ कर बेहाल हो जाते हैं, लेकिन इस हाल में हर हाल में संगीत अपने हाल को सुधारता चला जाए, लोगों का हाल भी सुधरे, इसी परिकल्पना और शुभकामना के साथ यह चाहता हूँ कि शुभकामना काम करे लेकिन शुभ का मना न हो कभी, शुभ हमेशा साथ रहे। और आप लोग मात्र राग गायन तान आला इत्यादि के द्वारा अपने चाहतरियों को प्रमाणित करते हुए कि मैं बड़ा गायक हूँ, यह भी देखिएगा कि आप कितने बड़े इंसान हैं, कितने बड़े गुरु के ऐसे शिष्य हैं जिसमें आप भी बड़े गुरु समझे जाए, क्योंकि एक तारतम्य चेन का बना हुआ है जिसके आधार पर उसका सम्मान करना है। बड़ा कलाकार बनना और बड़े रूप से बड़प्पन का सम्मान करना, पिछली पीढ़ी को भी लेके चलना, ये दो अलग बातें हैं। इन संस्कार को मत भूलिएगा, क्योंकि आपको सीखने सिखाने वाला, आपको सीखने वाला, आपसे सीखने वाला नहीं, आप क्या है, आपकी समस्या क्या है, उसे लेकर निदान करके उसका निराकरण जो खोजे, उपचार खोजे, वर्जना खोजे, इस चीज से नुकसान हो रहा है, वैद्य यही करता है। इस दृष्टि से आप भी इस उदाहरण का प्रमाण बने, संगीत के प्राण बने, इसी शुभकामना के साथ भवतु भवतां भव्यं दिव्यं दिव्यं दिव्यं।